अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की वाइट कढ़ाई। हम बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की है, ग्रेवी के साथ हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने ली थी वो हमारे पास थी। ये चिकन हमारे पास है, तकरीबन एक फुल चिकन हमने ली थी। हम इसको बोनलेस में बना रहे हैं। आप इसको हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं, विद बोन के साथ भी। तो यहाँ पर हमने एक अदद चिकन धो ली थी। हमने इसके पीसेस जो थे ये हमने थोड़े थोड़े बड़े रखे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने। तीन अदद हरी मिर्चें थी जिनको हमने मोटा सा काट लिया। इसके हमने पेस्ट नहीं डाली क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। साथ ही इसको हमने 2 टेबलस्पून डाल के थोड़ी देर हमने इसको लगा के रखा है, इस चिकन को। साथ ही यहाँ पर हमारे पास 1 कप के बराबर हमारे पास दही है। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट डालनी है। क्रीम है हमारे पास जो कि हम बाद में डालेंगे। साथ ही हमारे पास कसूरी मेथी है जो कि हम 1 टीस्पून डालेंगे। नमक टू टेस्ट हमने लिया है। ऑयल हम इसमें 1/2 कप लेंगे। काली मिर्च हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे। होल स्पाइसेस में हमारे पास लौंग है, 3 से 4 दाने हैं हमारे पास। साथ ही हमारे पास इलायची है छोटी वाली, ये हमने इसके दाने निकाल लिए, आप होल भी डाल सकते हैं। सिनेमन स्टिक हमारे पास है यानी कि दालचीनी, ये हमने 1 टुकड़ा लिया है। काली मिर्च हमारे पास है होल वाली, और साथ ही हमारे पास स्टार एनीस है, 1 अदद हमने लिया क्योंकि इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जायफल और जावित्री है, यह आप ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे छोटा। साथ ही यहाँ पर काजू थे जो हमने गर्म पानी में हमने इनको डाल के रखा। बादाम है, इन दोनों की पेस्ट हमने बनानी है। 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए हैं, इनको हमने गर्म पानी में 5 से 6 मिनट तक हमने इनको पकाया है और फिर हमने इनको निकाल लिया है। अब हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ प्याजों की पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। इस तरह प्याज़ों की जो पेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। अब यहाँ पर पैन में हमने 1/2 कप जो ऑयल था ये हमने डाल दिया, और बाकी जो हमारे पास होल मसाला था ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, फिर हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। यहाँ पर हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं लेकिन हमने इसको कवर नहीं करना। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि ये देखे प्याज़ों का पानी जो है ये ड्राई नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है ये हम डाल देंगे। अब यहाँ पर प्याज का और अदरक का जो हमने मसाला बनाया था इसका जो पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे और चिकन पर हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर मसाला हमने उतार लिया, चिकन को इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। नमक, दही, काली मिर्च जो थी हमारे पास, काजू का जो पेस्ट था, ये सब चीज़ें लगा के हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मसाला जो था चिकन, हरी मिर्चें, काली मिर्च और ये जो योगर्ट था ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको इसी वक्त ही पकाना चाहती हैं तो आप पकाएं जितना भी टाइम आप इसको देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाए और टेस्ट जो है बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। इसमें हम जो डालेंगे जो रेस्टोरेंट स्टाइल में एक सीक्रेट जो चीज़ डलती है वो भी हम आपको बताते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक भी हमने डाल दिया, अब अपने टेस्ट के मुताबिक नमक भी इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर हम जायफल और जावित्री जो है 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे। साथ ही यहाँ पर ये आपको मसाला नज़र आ रहा होगा, ये है बेसन, इसको हमने तवे पे भून लिया, ये 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, जिससे इसका जो दही का पानी छोड़ेगा वो इसमें इसको ड्राई करेगा और एक ज़बरदस्त सा जो है टेस्ट लेकर आता है, जो कि घर में बनाने से ये नहीं आता। ये रेस्टोरेंट जो है ये रेस्टोरेंट वाले इसमें ये चीज़ें डालते हैं। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे, और काजू की जो पेस्ट है ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो थी हमने इसकी पेस्ट नहीं डाली क्योंकि हमें इसको वाइट जो कढ़ाई थी वो हमने ये तैयार करनी थी। लाल मिर्चें भी हमने इसमें नहीं डाली तो इसलिए हमने हरी मिर्चें जो थी इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली। अब यहाँ हम इसको कवर करके रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चम्मच हिला के देखते रहेंगे ताकि ये इसका जो मसाला है ये थोड़ा ड्राई हो। अब यहाँ पर देखें दही ने जो था अपना पानी छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर चिकन हड्डी वाला होता, बोन वाला होता तो इसमें हम तकरीबन 1/2 कप के बराबर हम पानी डाल सकते थे। यहाँ पर जो काजू की पेस्ट हमने तैयार की थी ये हम इसमें डाल के बाकी अब इसको हम पकने देंगे। काजू की पेस्ट डाल के अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
अब यहाँ पर हमारी डिश जो थी ये तैयार होगी, व्हाइट कढ़ाई। अब हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और क्रीम डालकर हमने इसको 2 मिनट के लिए दम दिया। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की वाइट कढ़ाई जो हमने तैयार की थी, बहुत ही मज़े की ये तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।